नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में हुई वृद्धि। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख से भी ज्यादा आवेदन हुए प्राप्त। बिहार के मनोज वाजपेयी की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर जताई खुशी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर बेटे ने की भारत रत्न की मांग। बिहार के कई बड़े अस्पतालों में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवा ठप रहने से मरीज हुए परेशान। इस रक्षाबंधन आप अपनी बहनों को दे सकते हैं ये खास उपहार। 21वीं सदी में भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने वाले बल्लेबाज। अब चले बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरसी ने 4000 से भी अधिक अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्ती। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी उत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिसशिप के 4096 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो, साथ ही ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में हुई वृद्धि। बिहार में कई प्रयासों से अच्छी खासी शिक्षा में क्रांति देखने को मिली है। बिहार सरकार की प्रभावशाली योजनाओं से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि आई है। वर्ष 2005 में 12.5% बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति कम थी। अब वर्ष 2024 में इस संख्या में कमी हुई है। वर्ष 2024 में ये संख्या घटकर मात्र 1% तक रह गई है। इसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने IPRD बिहार के माध्यम से दी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे दलेर सिंह के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1967 में बिहार के पटना में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय गायक हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध गाने में अपनी आवाज़ दी है, जिसमें बोलो तारा रारा, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आसमान को छू कर निकला, बाबा नानक मेरे नाल नाल जैसी कई गीते शामिल हैं। 1998 में इन्होंने दलेर मेहंदी ग्रीन ड्राइव की शुरुआत की थी, जिसे दिल्ली सरकार के विशेष कार्य बल में शामिल किया गया था। इस अभियान के तहत दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में 1.2 मिलियन से भी ज्यादा पौधे लगाए गए थे। सीएम नीतीश ने राजगीर खेल परिसर का किया निरीक्षण। शनिवार को राजगीर खेल परिसर का निरीक्षण करने सीएम नीतीश पहुंचे थे। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ और भी कई बड़े अधिकारी और नालंदा के सांसद मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य के पहले नवनिर्मित राजकीय खेल अकेडमी और निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। राज्य के इस पहले खेल अकेडमी का उद्घाटन विश्व खेल दिवस के मौके पर किए जाने की उम्मीद है। बिहार में इस साल पूरा हो जाएगा इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क का निर्माण कार्य। बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क के करीब 375 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सड़क के निर्माण में कुल 2300 करोड़ रुपए की लागत आई है। उम्मीद है कि सड़क निर्माण का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाए। इससे पहले 178 किलोमीटर की लंबाई के सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 375 किलोमीटर सड़क के निर्माण में से प्रदेश में 552 किलोमीटर लंबाई का सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस सड़क के निर्माण से प्रदेश के कई जिलों को फायदा होगा और सीधी कनेक्टिविटी बनेगी। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। आज सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेंगे निर्देश। बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा 18 अगस्त को एक पाली में लिखित परीक्षा आयोजित होने वाली है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कदाचार मुक्त करवाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा का आयोजन 12 बजे से 2 बजे तक देखने को मिलेगा। अभ्यर्थियों का केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से होगा। 11 बजे तक प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा कक्ष के भीतर लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिप बोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाना है। भागलपुर में पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार ने जारी किया प्रेस रिलीज।
बिहार में लगातार पुल पुलिया गिरने के मामले में बिहार सरकार की फजीहत हो रही है। बीते दिन एक बार फिर से सुल्तानगंज में एक पुल का पिलर गंगा में समा गया, जिसके बाद बिहार सरकार का जवाब सामने आया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि त्रुटिपूर्ण डिजाइन को पहले से ही हटाया जा रहा था। शनिवार को उसी त्रुटिपूर्ण डिजाइन का क्षतिग्रस्त हिस्सा गंगा नदी में समा गया है। इसके डिजाइन की जांच आईआईटी रुड़की द्वारा की गई थी। जांच में इसका डिजाइन त्रुटिपूर्ण पाया गया था। उसके बाद पुल का कार्य बंद करवा दिया गया। बिहार के कई बड़े अस्पतालों में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवा ठप रहने से मरीज हुए परेशान। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के मामले में को लेकर पूरे देश में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देश के डॉक्टर्स आईएमए की पहल पर हड़ताल कर रहे हैं। वहीं बीते दिन बिहार के भी कई बड़े अस्पतालों में ये देखने को मिला। शनिवार के दिन ये पटना में पीएमसीएच, एम्स, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। इन अस्पतालों में करीब 154 से अधिक ऑपरेशन टाल दिए गए और 15,000 मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। इस दौरान मरीज और उनके परिजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे लंबे समय तक लाइन में लगे रहे, बावजूद इसके विंडो नहीं खुला। कई अस्पतालों में तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद देखने को मिली। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख से भी ज्यादा आवेदन हुए प्राप्त। शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन किए जाने का पोर्टल बंद कर दिया गया। इस योजना के तहत शुक्रवार तक करीब 5,41,667 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा आवेदन साइबर कैफे और आईटी बिजनेस सेंटर के लिए है। उद्योग विभाग ने जानकारी दी है कि करीब 79,266 आवेदन केवल साइबर कैफे और आईटी बिजनेस सेंटर के लिए है। इनमें से 10,309 महिलाओं ने साइबर कैफे के लिए आवेदन किए हैं। इस रक्षाबंधन पर आप अपनी बहनों को दे सकते हैं ये खास उपहार। 19 अगस्त को भाई बहन के बीच का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाने वाला है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपने बहनों को कई तरह के गिफ्ट्स देते हैं। सभी भाई अपनी सुविधा अनुसार अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। इस राखी आप अपनी बहनों को कुछ वित्तीय गिफ्ट दे सकते हैं, जिसमें ये उपहार उन्हें उनके भविष्य में भी काम आ सके। इसमें कैश गिफ्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, स्टॉक, व्यवस्थित निवेश योजना उपहार में देना, सोने या चांदी के सिक्के देना और एक मुफ्त म्यूचुअल फंड निवेश गिफ्ट हो सकता है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जमुई के बारे में। जमुई बिहार का एक जिला है जिसका गठन वर्ष 1991 में हुआ था। इस जिले का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है, जो इस जिले की प्राकृतिक खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इस जिले में यदि आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कई ऐसी जगहें हैं जहां घूम सकते हैं, जहां पर आपको प्रकृति की खूबसूरती के अलावे कई धार्मिक स्थल भी मिल जाएंगे, जिसमें लछुआर जैन मंदिर, काली मंदिर मलयपुर, मिंटो टावर गिद्धौर और गिद्धेश्वर मंदिर शामिल है। अगर आप कभी जमुई घूमने गए हैं तो हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बिहार के मनोज वाजपेयी की फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर जताई खुशी। बिहार से अपना संबंध रखने वाले बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की पारिवारिक ड्रामा फिल्म गुलमोहर ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के बाद मनोज वाजपेयी ने एएनआई के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिल्म को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से वे बेहद ही खुश हैं। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली से 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हुई थी, जिसमें फिल्म गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा फिल्म ने स्पेशल मेंशन और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी अपने नाम किया। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर बेटे ने की भारत रत्न की मांग। बिहार के दशरथ मांझी को पूरा देश माउंटेन मैन के नाम से जानता है। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने पहाड़ चीरकर सड़क बना दिए थे, जिसने पूरे देश में एक बड़ी मिसाल खड़ी कर दी। बीते 17 अगस्त को दशरथ मांझी की पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर इनके बेटे भागीरथ मांझी ने सरकार से भारत रत्न देने की मांग कर दी। आपको बता दें कि इसके लिए भारत रत्न की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इनके ऊपर कई फिल्म और सीरियल भी बनाए गए और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने मोटी कमाई भी की, लेकिन आज इनके परिवार के पास एक बेहतर मकान तक नहीं है। दशरथ मांझी के कारनामे को देखते हुए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। उनके बेटे ने मांग की कि इसके लिए उनके पिता को भारत रत्न मिलना चाहिए।
रक्षाबंधन पर राजधानी में महिलाओं के लिए बस यात्रा रहेगी मुफ्त। रक्षाबंधन 2024 के मौके पर सीएम नीतीश ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत राजधानी पटना की सिटी बसों में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। 19 अगस्त सोमवार को महिलाएं और युवतियां बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी सिटी बसों में यात्रा करती हैं तो उनका टिकट नहीं लगेगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पटना में कुल 135 सिटी बसों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें 25 इलेक्ट्रिक बसें और बाकी सीएनजी बसें हैं, जिसमें महिलाओं और छात्राओं के लिए यात्रा पूरी तरह से फ्री रहेगी। इन कारणों से आपका व्हाट्सएप हो सकता है हैक। व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये हमें कॉलिंग, मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग की सुविधा देता है और एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भी कुछ कारणों से व्हाट्सएप हैक हो सकता है। व्हाट्सएप हैक होने की वजह है आपकी लापरवाही, जैसे कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन को दूसरे के साथ शेयर करना। इसके अलावा व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन कोड को किसी के साथ साझा करने से भी खतरा हो सकता है। अनजान लिंक पर क्लिक करना भी एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि इससे आपके फ़ोन और व्हाट्सएप अकाउंट हैकर्स के हाथ लग सकते हैं। इस प्रकार की सुरक्षा चिंताओं से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसके तहत व्यक्तिगत जानकारी और कोड्स को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, साथ ही संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। प्रदेश में एक बार फिर से कई जगहों पर उमस भरी गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। इसकी वजह है बीते 2 दिनों से प्रदेश में मॉनसून का कमजोर पड़ना। हालांकि कई जगहों पर अब भी मॉनसून की बारिश देखने को मिल रही है। आज प्रदेश में कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सिवान जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार में 51 बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिहार में 51 बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। इन माफियाओं को बिहट्टा के अमनाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इन माफियाओं के पास से कई मशीनें जब्त हुई हैं। ये माफिया इन मशीनों का इस्तेमाल अवैध खनन के लिए कर रहे थे। यहाँ तक कि ट्रक के इंजन को मॉडिफाई करके भी बालू माफिया खनन के काम को अंजाम दे रहे थे। इन बालू माफियाओं के बीच अवैध खनन को लेकर कई बार हिंसक विवाद भी देखने को मिल चुका है, जिसके बाद बिहट्टा के अमनाबाद में पटना पुलिस ने छापेमारी करके बड़े स्तर पर अभियान चलाया और सोन नदी में अवैध खनन करते हुए 51 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अदालत ने फैसला किया सुरक्षित। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लेकर शनिवार को दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल करने और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 24 अगस्त को इस मामले में अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 6 अगस्त को जांच एजेंसी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था। तरारी विधानसभा से विधायक रहे सुरेंद्र पांडे बेटे के साथ बीजेपी में होंगे शामिल। भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। सुनील पांडे के साथ उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल होंगे। चल रही मीडिया खबरों के मुताबिक सुनील पांडे के बेटे इस बार तरारी सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से विधायक रहे सुदामा प्रसाद आरा से सांसद बने हैं। इसके बाद ये सीट खाली रह गई और अब इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार की इन 2 विधानसभा सीटों पर प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं चुनाव। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी जनसुराज पार्टी की विधिवत राजनीतिक दल का गठन करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में वे अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं। दरअसल शनिवार को गया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उपचुनाव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि चुनाव लड़ेंगे तो बेलागंज और इमामगंज दोनों जगहों से लड़ेंगे और अगर नहीं लड़े तो दोनों जगह से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से पहले चुनाव होगा तो जनसुराज समर्पित कार्यकर्ताओं को निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ाया जाएगा।
झंडा फहराने को लेकर आपस में ही भिड़ गए राजद नेता, अब पार्टी ने की कार्रवाई। बिहार के सीतामढ़ी में झंडा फहराने को लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन राजद नेताओं में बहस हो गई। अब इस विवाद के बाद राजद ने इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए सीतामढ़ी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इस दौरान रितु जायसवाल भी वहां मौजूद थी। राजद नेताओं के मुताबिक प्रखंड कार्यालय का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, ऐसे में प्रखंड अध्यक्ष अनिल महतो झंडा नहीं फहराएंगे। वहीं दूसरी तरफ अनिल महतो झंडा फहराने की तैयारी में लगे थे। राजद नेताओं के मुताबिक जिसने राजद कार्यालय के लिए जमीन दी है उसके हाथों से तिरंगा फहराया जाएगा। 21वीं सदी में भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार अपने नाम कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। दरअसल 21वीं सदी में भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में पहले स्थान पर विराट कोहली और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा का नाम सूची में शामिल किया गया है। इस मामले में सचिन तेंदुलकर तीसरे और चौथे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नाम दर्ज करवा रखा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1800 में लॉर्ड विलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1872 में महाराष्ट्र के महान संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म हुआ था। नेत्रहीन होने के बाद भी इन्होंने संगीत के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज के दिन वर्ष 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। आज के दिन वर्ष 1900 में विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। ये भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर को लेकर वायरल हो रहा ये खबर। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराता दिखा। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। 15 अगस्त 2024 को कश्मीर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वायरल हो रही तस्वीर काफ़ी पुरानी है, इसलिए इस तरह की खबरों से बचकर रहें, साथ ही किसी से भी शेयर करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। अब 100 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेंगी प्राइवेट कंपनियां। केंद्र सरकार ज़्यादा सिम कार्ड रखने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जिससे ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके। टेलीकॉम विभाग ने प्राइवेट कंपनियों पर रोक लगाते हुए कहा है कि अब प्राइवेट कंपनियां 100 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। यदि किसी कंपनी को 100 से ज़्यादा सिम कार्ड चाहिए तो उन्हें इसके लिए अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। पहले प्राइवेट कंपनियों को लेकर इससे ऐसे कोई नियम नहीं थे। कंपनियां जितने सिम कार्ड चाहती उतने सिम कार्ड खरीद सकती थी, हालांकि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है जल जीवन हरियाली, ऑप्शन बी है हर घर बिजली योजना, ऑप्शन सी है हर खेत सिंचाई का पानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जल जीवन हरियाली। हाल ही में IRDAI ने HDFC लाइफ पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है 8 करोड़, ऑप्शन बी है 3 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़। इसका सही उत्तर 2 करोड़। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है उमेश चंद्र, ऑप्शन बी है बॉब रॉय, ऑप्शन सी है डेनी डेनियल, ऑप्शन डी है रिचर्ड निक्सन। इसका सही उत्तर बॉब रॉय। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर रूस। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 22 जून। इसका सही उत्तर 22 मार्च। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राकेश मिश्रा, मंजीत कुमार, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, राजकिशोर महतो, सुमन कुमार मिश्रा, संजय कुमार शर्मा, ओंकार सिंह, नुल्लू गोलू कुमार, विजय कुमार, नितेश कुमार सिंह, राजीव कुमार, रवि कुमार, राम, सादुल्ला पालवी, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
माउंटेन मैन दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध की खबर वाकई में दिल दहला देने वाली है। ये घटना ना केवल पीड़िता और उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के हर हिस्से के लिए गहरा आघात है। इस तरह के अपराध हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कितनी सख्त जरूरत है। बिहारी न्यूज़ टीम की तरफ से हमारी यही कामना है कि पीड़िता की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति मिले।